किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट में बनते हैं। अब तक कहता है दो चार्ज हम लोग के पास है, एक Q1 है, Q2 है। Q1 कहाँ है? देखो Q1 यहाँ पर है और Q2 कहाँ है? यहाँ B पॉइंट पे है, समझना। अब ये जो है प्लस 30 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये जो है Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। अब ये और आ गया, दो तो थे ही, तीसरा आ गया Q3, उसको मैंने 40 सेंटीमीटर के सर्कल के रेडियस में घुमाया। Q3 ये जो है वो 40 सेंटीमीटर है और ये जो आर्क है वो सर्कल है, सर्कल का रेडियस है। मतलब ए अगर 40 है तो ये भी क्या होगा, 40 होगा, मतलब AD 40 होगा और AC भी 40 है। तो हमने 40 सेंटीमीटर फ्रॉम सी टू डी, तो यहाँ से सी से डी तक ले गए, एक आर्क में ले गए। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अब दिया हुआ, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी मेंशन, Q3 के 4πε0। तो इसमें जो K आया है, जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के ये हमें निकालना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इसमें समझना, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ये है। तो इसको सी से डी तक लाने में कितना वर्क डन हुआ निकालना, और वर्क डन में तभी निकाल जाऊंगा जब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकाल पाऊं। तो दोनों सिचुएशन, पहला सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन ये है कि एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, तीन है। फाइनल सिचुएशन क्या है, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, दो सिचुएशन है। तो इनिशियली जो सिचुएशन है उस सिचुएशन, वो सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है और ये यहाँ Q1 नाम का है, यहाँ Q2 है और यहाँ Q3, तीनों का साइन नहीं दिया है तो मैं पॉजिटिव कंसीडर लेके चलूँगा। तो ये तीनों इनिशियल सिचुएशन, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, आराम से लिख लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली अगर मैं लिखूँ तो। चलो, तो इनके बीच एक पेयर, इनके बीच एक पेयर और एक इनके बीच भी पेयर। अगर ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो गया, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट, मतलब ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो पोटेंशियल तीन पेयर बन गया, एक इनके बीच, एक इनके बीच, एक इनके बीच। चलो, तो कॉन्स्टेंट 1/4πε0 पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, एक Q1, Q3 और डिवाइडेड बाय 40 प्लस, देखना प्लस, अब इनके बीच हो गया Q1 और Q3 के बीच हो गया, Q1 और Q2 के बीच 30 का डिस्टेंस है, 1/4πε0 Q1 ये Q3 है, Q1 Q2 अपॉन 30 बराबर है। एक Q2 और Q3 के बीच एक पेयर है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q2 Q3 और डिवाइडेड बाय 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। ये तीन पेयर था और तीनों के बीच मैंने लिख दिया मेरे भाई। चलो, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल सिचुएशन कैसा आया, Q1 वहीं रहा, Q1 कहीं नहीं गया, Q2 भी वहीं रहा, लेकिन जो Q3 है वो यहाँ आ गया यार, Q3 घूम के यहाँ आ गया, ऐसे आर्क में लेके आ गए हमने। तो ये जो है वो 30 है और ये पूरा 40 है क्योंकि आर्क है, तो ये आ जाएगा 10, अरे क्या कर रहा हूँ भाई, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमेशा देखना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये 30 है सेंटीमीटर, अभी भी तीन पेयर है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं, तो चलो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूं, तो फाइनल अगर मैं लिखता हूं, देखो अब इनके बीच फाइनल Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 तो मूव नहीं किए, तो 1/4πε0 Q1 Q2 और ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब Q1 और Q3 के बीच 40 है, तो K 1/4πε0 Q1 Q3 और ये आ जाएगा 40, बाद में मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, और प्लस Q2 और Q3, तो 1/4πε0 Q2 Q3 और डिवाइडेड बाई 10,
दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करना है आपको, घटाना है। किस में से किसको घटाना है, फाइनल में से हमेशा इनिशियल को। तो वर्क डन जो आ जाएगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको माइनस करना है। तो इनिशियल वाले को माइनस कर दो, घटा दोगे तो ये साइन निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, इस निगेटिव माइनस। तो Q1 और Q2 डिस्टर्ब नहीं हुए, तो Q1 और Q2 ये वाला जो पेयर है 30 वाला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अगर 40 का पेयर है तो Q1 और Q3 पहले भी 40 पे, अभी भी 40 है, तो Q1 है, ये पेयर कैंसिल हो गया। तो जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो बचा क्या उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 कॉमन आ गया मेरे भाई। अब फाइनल में से Q2, Q3 और ये आ जाएगा 10 माइनस ये फाइनल माइनस इनिशियल 1/4πε0 Q2, Q3 और ये 50। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन। तो ये जो वर्क डन है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो कॉमन आ गया उसको नोट कर लेते हैं, Q2, Q3, 4πε0 कॉमन आ गया और एक जीरो भी कॉमन ले लो, मतलब 10 कॉमन ले लो, तो 1-1/5 आ गया। और ये तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 10^-2 से और यहाँ पे 10^-2 से, तो फाइनली जो मुझे दिखेगा तो वो Q2, Q3 और 4πε0 10 और यहाँ से आ जाएगा 4×10^-2 और डिवाइडेड बाई 5×10^-4। इसको काट लो तो इसको थोड़ा सा काटोगे तो 10^-2 और ये 100 चला गया और ये ख़त्म हो गए। तो 400 एक जीरो ने एक जीरो को ख़त्म कर दिया और 5 8 टाइम्स में कट गया। तो फाइनली जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा 8Q2Q3 4πε0। दिस इज द वर्क डन। अब जो वर्क डन दिया था वो हम कंपेयर करते हैं इससे। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें वर्क डन कितना था, देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें जो वर्क डन था Q3K4πε0 था। Q3 के जो गिवन था, जो हम लोग को दिया था वर्क डन, वो दिया था Q3K4πε0। अब इन दोनों का कंपेयर हो जाए, इसका और इसका जो हम लोग निकाल के लेके आए इसका, तो K की वैल्यू पूछ रहा है, तो K की वैल्यू किसके इक्वल होगी, K की वैल्यू 8Q2 के इक्वल होगी, तो K आ जाएगा 8Q2। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो देख लेते हैं हम लोग का कौन सा मैच कर रहा है। 8Q2 मतलब है कि सी ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन